इस क्वेश्चन में आपके पास सिस्टम क्या दिया गया है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डील करने का एक ही तरीका होता था कि हम लोग लॉग लेके उसको सिंपलीफाई कर लेते थे, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं होता था, ठीक है। तो से फर्स्ट दिस इज वाई एंड टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स पीछे आएगा प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी से इस लॉग के पीछे आएगा, तो कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका लॉग वाई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड लॉग ऑफ लॉग लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है। तो प्राइमरली हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दैट विल बी द सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और दोनों फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करें हम लोग, ये भी डिफ्रेंशिएट होने से मना कर रहा है क्योंकि log y का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एडजस्ट करोगे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई डी वाई लॉग वाई। अब देखिए जो log y है y का फंक्शन है वो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तो एक तरह से डिवाइड डिवाइड किया, डिवाई मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट विच इज कॉस एक्स, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आप प्रॉपरली याद कर लीजिए ना कि log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स याद रहना चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। खैर दैट इज इक्वल्स टू cos x, यहाँ पे ये जो log है वो x का फंक्शन नहीं है, वो इट सेल्फ log का फंक्शन है, ठीक है। जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन की केस आती है तो आप हमेशा चेन रूल के थ्रू जाते हो, और पहले फिर चेन रूल के थ्रू जाओ तो आपको सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि फंक्शन का सीक्वेंस क्या है, है ना, किस सीक्वेंस में ऑपरेट हो रहे हैं। तो सोचिए जब कोई x की वैल्यू प्लेस करोगे तो पहले ये वाला लॉग ऑपरेट होगा, ठीक है, देन ये वाला लॉग ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, मतलब सबसे पहले ये वाला लॉग आउटर लॉग डिफ्रेंशिएट होगा, फिर ये अंदर वाला लॉग डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला जब लॉग डिफ्रेंशिएट होगा तो वन अपान में वो सारी चीज़ें लिख देंगे जो इस लॉग के अंदर थी, मतलब लॉग ऑफ x दैट इज लॉग ऑफ x इनटू, अब ये वाला लॉग डिफ्रेंशिएट होगा तो वन अपॉन लिखेंगे जो भी इसके अंदर था, इसके अंदर x था तो वन बाई एक्स, ठीक है, ये फाइनल डिफ्रेंशिएट हो गया। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ लॉग x एंड कॉस का क्या हो जाता है आपका, माइनस साइन x, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से y साइड में आएगा, दैट बिकम डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स आपका हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस आके यहाँ मंडलाएगी, माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स एंड लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। और y की वैल्यू हमारी क्या थी, log x की पावर cos x, तो ये हम यहीं पे रख देते हैं, है ना, आप नेक्स्ट स्टेप में रखिएगा, दैट इज log x की पावर cos ऑफ x, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है।